हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई को कैसे शुरू कर सकते हैं। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं इसको लेकर कि सर 10th स्टैंडर्ड को हम एग्जैक्टली शुरू कैसे करें। क्या हम ऐसे कर लें कि हम दिन में 5 घंटा पढ़ लें, 4 घंटा पढ़ लें, 8 घंटा पढ़ लें, कैसे पढ़ना है, क्योंकि एंड में तो पूरी बुक आने वाली है हमें। तो अगर हमें पूरी बुक आने वाली है पढ़ने के लिए तो हमारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए स्टार्ट से पढ़ने के लिए, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 10th स्टैंडर्ड में आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। इंग्लिश है जो मेजर कॉमन सब्जेक्ट्स है, वो लिखता हूँ मैं। इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, SST है यानी कि हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी जो आता है वो है, मैथ्स है यानी कि मैथ्स 1 2 दोनों आ गया इसमें, और फिर आपका साइंस है जिसमें साइंस 1 2 दोनों आ गया आपके पास। ठीक है, टोटल 6 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट कितने मार्क का होगा? 100। ये भी 100 मार्क्स का होगा, 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 ये भी 100 मार्क्स का होगा। टोटल हो जाएंगे कितने? 600। अब हर 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में होंगे और 80 मार्क्स किसके हाथ में होंगे? आपके हाथ में। यानी कि ये इंटरनल मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे, जो आपके टीचर होमवर्क असाइनमेंट जिस पर भी डिसाइड करते हैं उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं, और 80 मार्क्स का आपका रिटर्न जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो। समझ गए? यानी कि स्कूल के हाथ में कितने मार्क्स हो गए? 20 × 6 कर दो, सो 120 मार्क्स किसके हाथ में? स्कूल के हाथ में है। तो आउट ऑफ 600 में से माइनस कर दो तो 480 बचा। तो 480 जो है वो रिटर्न यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो आप लिखेंगे उसके हाथ में। ठीक है, ये बात हो गई सबसे पहली बात। ये भी बात याद रखो कि जब हम ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, हमारा टोटल मार्कशीट में 600 का नहीं होता, 500 का होता है, क्योंकि हम एक स्कीम को पढ़ते हैं वहाँ पर जिसे हम बेस्ट ऑफ 5 कहते हैं। बेस्ट ऑफ फाइव का मतलब क्या है वो ध्यान से सुन लो पहले। इसका मतलब ये है, सपोज़ करो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके सबसे कम मार्क्स आए SST में। ठीक है, सबसे कम मार्क्स आपके SST में हो गए, और सपोज़ करो SST में जो आपके मार्क्स आए हैं वो 40 है, और बाकी सब में जो मार्क्स आए हैं आपके वो 90+ मार्क्स आए हैं। तो आप SST में पास तो हो गए, क्योंकि पासिंग कितना होगा 100 में से? 35 पासिंग है, तो आप पास तो हो गए, बट आपको यहाँ पर पास होने के अलावा आपका मार्क्स गिना नहीं जाएगा। जो सबसे कम मार्क्स होगा उसको हटा देंगे, तो उसका टोटल भी हट जाएगा, तो 100 को हटा दो, तो अब तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा? 500 का टोटल हो जाएगा। फिर आउट ऑफ 500 जो आपको मार्क्स मिलेंगे आपको वो मार्क्स लिखने हैं, तो इसीलिए इसको बेस्ट ऑफ 5 बोलते हैं। तो इससे क्या समझे? तो आपकी पहली टिप इस वीडियो के लिए ये है कि आपका जो भी वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको इस तरह से प्लान करो, और अगर आप उसको आगे कैरी नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल आपका वीक सब्जेक्ट मैथ्स है पर आगे जाके आपको साइंस फील्ड लेनी है, तो आप उसको ना छोड़े तो बेहतर है। ठीक है, या आपको नीट करना है आगे जाकर और आपका मैथ्स वीक है तो चलो ठीक ठाक है, निकल जाएगा। ठीक है, पर आगे जाके इंजीनियरिंग करना है और मैथ्स वीक है तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी बच्चे को आर्ट्स नहीं लेना और उसका SST वीक है, तो सपोज़ करो वो SST में इतना मार्क्स लेकर आओ सिर्फ के पास हो जाओ, मतलब आप एम रखो 50-60 मार्क्स लाने का, उतना मार्क्स आ जाएगा, हो जाएगा। तो जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ठीक ठाक ध्यान दो, बाकी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है आप पर उस पर और ज़्यादा फोकस करो। इसका मतलब यही होता है बेस्ट ऑफ फाइव का। तो बेस्ट ऑफ फाइव में तो आप यहाँ पर सपोज़ करो, एक सिनेरियो देता हूँ, यहाँ सब जगह 90 आ गया और यहाँ 89 आ गया, तब भी तो कैंसिल ही होगा, जो कम होगा वो तो निकल जाएगा आपका, बराबर है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मार्क्स इतने लाने हैं जिससे आप पास हो जाओ, सेफली पास हो जाओ। 35 पास है तो 35 नहीं सोचना है, 45 भी नहीं सोचना है, आपको कम से कम 60 सोचना है। 60 सोचोगे तो सेफली 35 पर आराम से पहुंच जाओगे। तो पहली बात, बेस्ट ऑफ फाइव आपको समझने आना चाहिए कि क्या है। अब आता हूँ मैं सब्जेक्ट वाइज आता हूँ, ये जो सब्जेक्ट्स हमारे लिखे हैं हर सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं कि क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, मैथ्स फॉर श्योर डेली प्रैक्टिस करना है, आपका मैथ अच्छा है बुरा है जो भी है डेली 1 आवर आपको मैथ्स को देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी में। कोचिंग क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर मैथ्स पढ़ोगे वो अलग है, स्कूल में पढ़ोगे वो अलग है, डेली मैथ्स को 1 आवर आपको देना ही है। ठीक है, इतनी बात समझ गए, तो मैथ्स के लिए 1 आवर देंगे। साइंस याद रखो, इसमें बाय हार्ट करने वाला कुछ भी नहीं है एक्चुअली,
मेजरली तो बाय हार्ट करने के लिए, बाय हार्ट यानी कि याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, सारी चीज़ समझने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में या स्कूल में या यूट्यूब वीडियो के थ्रू साइंस वन या टू के चैप्टर्स को देख रहे हैं तो उसको समझ लें, क्योंकि मेजॉरिटी आंसर खासकर साइंस वन में तो याद करने वाले आंसर आएंगे ही नहीं, ऐसे ही आंसर्स आएंगे जो वन लाइन होंगे या दो लाइन के होंगे आंसर या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर। तो साइंस में मेजरली कुछ याद करने वाला नहीं है समझने के लिए। टोटल साइंस में 20 चैप्टर है, उसमें भी सिर्फ जो बायो का पार्ट है वो याद करने वाला है। देखो साइंस में क्या क्या पार्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस। फिजिक्स, केमिस्ट्री और ईवीएस, ईवीएस भी एक बार रीड करके जाओगे समझ जाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा समझ के जाना है, बायो समझ के भी जाना है और याद करके भी जाना है। बायो आसान होता है तो समझ भी जाता है और याद भी जल्दी हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री समझने में थोड़ा सा देर होती है मेजॉरिटी बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, यहाँ बाय हार्ट करने के लिए नहीं है, साइंस में अपने खुद के नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ साइंस में तो वो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। तो नोट्स बनने चाहिए साइंस के अंदर, ठीक है। अब मैं आता हूँ एसएसटी पर आता हूँ। एसएसटी में स्पेसिफिकली पहले अगर मैं ज्योग्राफी की बात कर लूँ तो ज्योग्राफी में याद रखो ओवरऑल टोटल तो 32 मार्क्स का तो आपको ऑब्जेक्टिव आता है। ज्योग्राफी का जो 40 मार्क का पेपर होता है, एसएसटी ऐसे डिवाइड होगा ना, 40 मार्क में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आएगा और 40 मार्क में आपको ज्योग्राफी आएगा। वो 40 में भी आपको कैसे डिवाइड होगा, हिस्ट्री जो है वो 40 में भी कैसे डिवाइडेड होगा, 28 और 12 में, यानी कि 28 मार्क का हिस्ट्री होगा और 12 मार्क का क्या होगा, सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस होगा। अब ज्योग्राफी में 40 में से 32 मार्क्स का तो आपको ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, फिलअप, मैचअप, मैप आएंगे, मैप में पॉइंट आउट करने आएगा कि लोकेशन बताओ क्या है, या मैप ड्रॉ करने आएगा, ग्राफ बनाने आएगा या ग्राफ दिया होगा उसके क्वेश्चंस आएंगे, गिव रीजंस होंगे। तो ऐसे छोटे मोटे आंसर्स मिलाकर 32 मार्क्स बनते हैं, 8 मार्क के सिर्फ बड़े आंसर बनते हैं। तो अगर किसी को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो ज्योग्राफी में छोटे आंसर्स और मैप ऑफ ग्राफ, मैप और ग्राफ पे ध्यान दे तो ये हो जाएगा। हिस्ट्री में आता हूँ, हिस्ट्री में अगर किसी को याद करने में दिक्कत है तो पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ लें, क्योंकि 12 मार्क का पॉलिटिकल साइंस आएगा तो उसमें चैप्टर कम है और मार्क्स ज़्यादा है और कंफर्म मार्क्स है कि इतने आने ही वाले, तो पहले 12 मार्क का वो कर लो। 28 मार्क्स का जो हिस्ट्री है उसको ध्यान रखो, उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन टेक्सुअल आते हैं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चांसेस हैं कि वो आपको नॉन टेक्सुअल मिल जाए। तो हिस्ट्री में आप आंसर्स भी याद करेंगे, बाय हार्ट करेंगे, प्लस उसके साथ टेक्स्ट बुक को ज़रूर रीड करें। अब आता हूँ मैं इसके अलावा जो हमारे बात है मराठी पर, ठीक है ना। मराठी में जिन बच्चों को ब्रीफ याद नहीं होता वो ब्रीफ याद ही ना करें, हाँ आप एक भी ब्रीफ याद ना करें, आप पोएम का एप्रिसिएशन याद करें, ग्रामर अच्छे से करें, राइटिंग स्किल पर ध्यान दें और लेसन जो स्कूल या कोचिंग में या यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इन लेसन में दिया क्या गया है, ठीक है। तो मराठी जो है इसमें अगर आप ब्रीफ याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्रीफ हार्डली मिलाकर 14-15 मार्क का ब्रीफ होंगे, उसको छोड़ दो ना, उसको छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें अच्छे करो। अब आपको भी मालूम है मराठी में 80 और 80 तो नहीं मिलता, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी 70 तक लेकर जाता है। तो आप ब्रीफ याद भी करके आपका स्कोर 30-40 आता है 80 में से, सपोज करो 80 में से आपका 40-45 आता है, तो ब्रीफ याद मत करो, साल भर ग्रामर पर ध्यान दो, राइटिंग स्किल पर ध्यान दो, तो ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए। तो मराठी में आपको ये करना है, ठीक है, अगर आपका ब्रीफ याद नहीं होता, और अगर आप ब्रीफ याद कर सकते तो फेयर इनफ, याद करो। हिंदी में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, हिंदी के अंदर ग्रामर भी ठीक ठाक है और हिंदी की कोई स्ट्रैटेजी मैं हर साल देता नहीं, क्योंकि हिंदी जो मेजॉरिटी बच्चे कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगी। इंग्लिश पर आता हूँ, इंग्लिश के लिए पहला हिस्सा जो है पोएम का एप्रिसिएशन जो कन्फर्म आता है तो उसको ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा ग्रामर के वही टॉपिक्स आएंगे जो 9th में और 8th में की हैं, तो वही टॉपिक्स को रिपीट करें, साल भर ग्रामर को उसी तरह करें जैसे मैथ्स कर रहे हो। अगर मैथ्स हर दिन ले रहे हो तो ग्रामर को 3 दिन में एक बार ज़रूर करो, 3 दिन में एक बार ग्रामर को ज़रूर करना। इसके अलावा अगेन राइटिंग स्किल है, इंग्लिश में राइटिंग स्किल इम्प्रूव कैसे होगी, जब इंग्लिश के लेसन आपको पढ़ाए जाते हैं तो उसमें नए वर्ड्स होते हैं, वो नए वर्ड्स को ध्यान में रखें, स्टोरी का लाइनअप देखें कि कैसे लिखा हुआ है, अपनी राइटिंग स्किल्स लिखने की खुद से कोशिश करें। जब तक आप लिखोगे नहीं वो आएगा नहीं, और राइटिंग स्किल 2 या 3 दिन पहले नहीं आने वाला। इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो ऐसे रखोगे जैसे डेली मैथ्स ले रहे हो, वैसे 3 दिन में एक बार इंग्लिश ज़रूर लो पढ़ने के लिए। तो इस तरह से आप इंग्लिश को कवर कर सकते हो। और ओवरऑल डेली सेल्फ स्टडी के लिए 2 से 3 घंटे आपको बैठना है। अगर आपको सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है तो 2 घंटे से स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते बढ़ाते 3 घंटे तक
लेकर जाऊँ। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपके लिए। साल भर हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करो। टिल देन टेक केयर, बाय।